So today we are going to make kadai chicken. Let's start with the first ingredient. Usually ये सिर्फ chicken का होता है, but I am an aloo lover. So we are starting with aloo. Let's see. We have cutted some aloos. This is the aloo. And we need some more ingredients, which is sliced and diced onions with capsicums, which are diced. We need 1 kg chicken. We need masalas. This is salt. This is Kashmiri mirch. This is dhania powder. This is kuti lal mirch. And this is garam masala. And this is jeera masala. And this is black pepper powder. We are missing on kasuri methi, which is going to come soon. What we have to do is that. यहाँ पर मैंने ले लिया है अनियन एंड वी आर यूजिंग गार्लिक एंड जिंजर एंड अनियन. इसका हम पेस्ट बनाएंगे. सो वी हैव ऑलरेडी ग्राइंडेड दिस. नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द चिकन. सो फर्स्ट हमने यहाँ पर तेज पत्ता ऐड किया है. नेक्स्ट हमारे पास सूखी मिर्च नहीं है, सो आई एम डायरेक्टली गोना ऐड चिकन. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड चिकन. पानी क्यों भरा है? So we are adding chicken. So we are going to add aloo just because मुझे आलू पसंद है. So aloo added. अब next is सारे सूखे मसाले. I'm going to add it. ये पूरा काफी काला तो के जानेगा. तो बस अभी हमें इसे पकाना है थोड़ी देर तक, जब तक चिकन थोड़ा सा फ्राई ना हो जाए. सो वील जस्ट कीप ऑन कुकिंग टिल वी सी दैट चिकन इज गेटिंग फ्राइड. लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स आई गेस. ये गैस थोड़ा सा स्लो है. सो चिकन थोड़ा सा पक चुका है. नाउ इट्स टाइम टू ऐड द ग्राइंडेड मसाला विच इज अनियन, जिंजर और टोमेटो. आई एम एडिंग ऑल ऑफ इट. 1 किलो चिकन है और उसमें कम से कम 250 से लेकर 300 ग्राम तक मैंने आलू ऐड किया है. सो मैंने नमक पहले ही डाल दिया था. सो आई एम जस्ट गोना मिक्स इट वेल, कुक फॉर मोर 10 मिनट्स एंड देन द मैजिक विल हैपन. सो लेट्स कुक फॉर 10 मिनट्स. सो 10 मिनट हो चुके हैं. लेट्स सी चिकन कैसा है. वाओ, कुक्ड. अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटो, जो हम प्याज और कैप्सिकम जो हमने कट किया था. वी आर गोइंग टू ऐड दैट. इट सीम्स कि पक चुका है. सो अभी हम इसे ढक के नहीं पकाएंगे, हम इसे ऐड दिस. इसे सिर्फ हमें फ्राई करना है. सो जस्ट ओपन इट फ्राइड फॉर few more minutes. Once it's fried, we'll add water to it. और हमारा कसूरी मेथी ऐड करना रह गया. वंस वी ऐड कसूरी मेथी आफ्टर द फ्राइड अनियंस इट विल बी डन. सो अभी थोड़ी देर बाद यू कैन सी दैट कि नीचे मसाला लग चुका है, मतलब ये फ्राई हो चुका है. तो वी आर गोइंग टू ऐड कसूरी मेथी अभी एंड फिर हम इसको 10 मिनट के बाद बॉईल करेंगे. क्या बोल रहे हैं?